Morning and Jai Hind guys, welcome to Rocha Vlogs. I am Chakrapani Sharma. I have been recommended 3 times by the Services Selection Board of Allahabad, Bangalore and Bhopal. So, यार बहुत दिन हो गए थे वीडियो बनाए हुए. अभी सोचा इंटरव्यू पे वीडियो बना देते हैं. So basically इस वीडियो में अपन कवर करेंगे कि यार इंटरव्यू कैसे होता है SSB में और रिपीटर से किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने भी 4 conferences दिए तो 4 हर एक बोर्ड का मेरे पास एक्सपीरियंस है. 4 बोर्ड में मैं गया हूँ आर्मी के, और एयरफोर्स की SSBs कैसे अलग होती हैं आर्मी के SSBs से, प्लस में टेक्निकल क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, करंट अफेयर जरूरी है या नहीं है, या फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स पे किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो पूरा ये इस बारे में डिस्कस करेंगे. प्लस में PIQ कैसे फिल करना है, जो अच्छे से आप फिल कर सकते हो, जो आपको SSB में भी हेल्प करेगा, तो वो अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. तो यार वीडियो शुरू करने से पहले आप टेलीग्राम चैनल अपना रोचा व्लॉग्स SSB कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कर लेना. हर वीक का देखो ये शेड्यूल रहता है. मंडे को मैं 5 BRCC के टॉपिक्स देता हूँ, तो वो सब जैसे ट्यूसडे को अलग काम होता है GDGP, ऐसे करके संडे तक अपना फुल पैक्ड रहता है. तो ज्वाइन कर लेना ताकि सेशंस में आप आ पाओ और अच्छा आपको हेल्प मिल सके अदर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स एंड बहुत सारे मेंबर्स हैं ग्रुप में जो कि हेल्प कर रहे हैं और हेल्प ले भी रहे हैं. सबसे पहले यार बात करते हैं मेरे SSBs के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, लाइक जो मैंने 4 इंटरव्यू दिए हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे कि मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे. पहले मैं वो बताता हूँ. तो सबसे पहले मेरा SSB था, मेरा 4th अटेम्प्ट था जो कि था 19 SSB इलाहाबाद में. तो वो मेरा पहली बार में स्क्रीनिंग हुआ था. और उस टाइम देखो इंटरव्यू कब होता है, इंटरव्यू आपका या तो जनरली साइक टेस्ट वाले दिन होता है या उससे नेक्स्ट डे हो सकता है GTO Day 1 को या GTO Day 2 पे भी हो सकता है. ठीक है, इंटरव्यू का कोई ऐसे सर्टेन नहीं है कि, और कई बार लाइक एयरफोर्स SSBs में तो यार कॉन्फ्रेंस वाले दिन भी होते हैं इंटरव्यू, मैंने बहुत बार सुना है, इवन मेरे भाई ने भी दिया है. ठीक है, तो यार मेरा था पहला इंटरव्यू जो था मेरा साइक डे ही था. और साइक डे भी ऐसा था कि मैं जैसे साइक डे के निकला था और बाहर एकदम लाइक वहीं पे बैठा लिया था कि चलो तेरा इंटरव्यू है, ना ही कुछ करने दिया, सीधा साइक हॉल से उठा ले गए थे इंटरव्यू के लिए प्रेसिडेंट के सामने. तो उस टाइम यार मेरा पहला अटेम्प्ट था, मैं थोड़ा नर्वस भी था. तो पहले अटेम्प्ट में मेरे पे लाइक फ्रेशर से देखो फ्रेशर के साथ जनरली वो अच्छा बिहेव करते हैं, और अच्छा बिहेव इन अ सेंस कि थोड़ा उसको लाइटली लेते हैं और इधर नॉर्मल फ्लुएंट इंटरव्यू चलता है. तो मेरा वही एज अ टिपिकल फ्रेशर वाला इंटरव्यू चला, पर मैं थोड़ा सा डर गया था. लाइक मेरा पहला एक तो इंटरव्यू था और साइक के जस्ट बाद था, तो मैं डर गया था ऊपर से प्रेसिडेंट के सामने. तो यार मेरा पहला इंटरव्यू इतना सही नहीं हुआ था. उसमें जनरली देखो मुझसे ना PIQ बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे सारे. स्टार्टिंग किया उसने फैमिली एंड फ्रेंड्स से, और मतलब फ्रेंड्स का तो इतना नहीं पूछा, बट हाँ मेनली फैमिली का, PIQ में खुद के बारे में कहाँ से आ रहा है, ज़्यादा डीप में नहीं गया, बस इतना ही पूछा. फिर मेरा पिछले 3 स्क्रीन आउट क्यों हुआ, स्क्रीन आउट्स के बारे में पूछा. उसके अलावा मेरे से थोड़े बहुत लाइक करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे पहले इंटरव्यू में. गाइस एज NDA एग्जाम इज अप्रोचिंग, दिशा पब्लिकेशंस हैव केम अप विद अ कॉम्बो ऑफ 2 सेट ऑफ न्यू बुक्स विच आर 1 फॉर मैथमेटिक्स एंड 1 फॉर GAT. इन देयर आर 2 सब टॉपिक्स विच आर GS एंड इंग्लिश. इन दिस बुक्स यू विल गेट प्रीवियस ईयर पेपर फ्रॉम 2006 टू 2023 सेप्टेम्बर. Total there are 35 question papers are given. These all 2 books are divided into subtopics, like GAT is divided into 33 subtopics and the mathematics book is also divided in 23 topics. So chapter wise content is given in each book, and in this combo you will get more than 9000 of MCQs that you can practice and with a correct answer key. This book contains errorless answer key and the step by step answers are given in the book. There are hints and solutions for each and every question, and this book will immensely help you in your preparation as it will boost your preparation at the last time. So if you guys are interested in buying this combo set of 2 books, then the link for the same will be given in the description. South China Sea के बारे में पूछा गया था उस time, वो Nancy Pelosi की visit हुई थी वहाँ पे, तो इसलिए पूछा था वो. इसके अलावा मुझसे उसने देखो थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे मैंने फौज का बताया था, कैप्टन विक्रम बत्रा को मेंशन किया था, तो उन्होंने उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिए थे कि उन्होंने कौन सी पीक कैप्चर करी थी, लाइक 0.4875 है तो उसको पॉइंट क्यों कहते हैं, अगर पॉइंट कह दिया तो अब वो 4875 का सिग्निफिकेंस क्या है. तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा लॉजिकल चलना पड़ता है. जैसे 4875 का मैंने लॉजिक दिए थे, एक दो मैंने बोला था कि सर 48 तो इसका लॉन्गिट्यूड हो सकता है, 75 लेटिट्यूड हो सकता है, तो ये एक लॉजिकल गैस था, चाहे गलत है पर लॉजिकल गैस था. तो वहां पे थोड़ा लॉजिक देना है, ऐसे कुछ भी नहीं बोलना है. और रिवर्स के बारे में पूछा था मुझसे कि यार
जो जम्मू एंड कश्मीर से वहां से कौन कौन सी रिवर्स फ्लो होती हैं, पाकिस्तान में कौन सी रिवर्स जाती हैं एक पहाड़ के एक ही पॉइंट पे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी सेम हो सकता है क्या, मतलब जनरली इसी प्रकार के, मतलब ज्योग्राफी टाइप थोड़ा, अगर ज्योग्राफी में घुस गए तो फिर वो ज्योग्राफी पूछते हैं। अच्छा ठीक है, हर एक इंटरव्यू ऑफिसर को जनरली मैंने देखा ज्योग्राफी तो आती ही है, तो ज्योग्राफी का थोड़ा कर लेना आसपास का। तो पहले इंटरव्यू से मैंने ये सीखा था इलाहाबाद में, बाकी PIQ पे चला था, कुछ बाहर से नहीं लेके आए। सेकंड मेरा इंटरव्यू हुआ था मेरा बेंगलोर में, जो कि था 17 SSB बेंगलोर। बेंगलोर का मेरा इंटरव्यू कमांडेंट ने लिया था, जो बेंगलोर बोर्ड के कमांडेंट है मेजर जनरल, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। और वो इंटरव्यू मेरा चला था सिर्फ 22 मिनट, मेरा हुआ था GTO Day 1 को इंटरव्यू। तो यार उसमें उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, उन्होंने सिर्फ मेरे बारे में पूछा था, PIQ के बारे में, क्योंकि मैं उस टाइम रिकमेंड हो चुका था एक बार, तो प्रीवियसली रिकमेंडेड का मे भी उन्होंने ज्यादा इंटरव्यू नहीं लिया, तो थोड़ा इंटरव्यू चला था। कुछ उन्होंने जनरल अवेयरनेस मुझसे नहीं पूछा, आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा था कि क्यों जाना है या फिर कौन सी कोर में जाना है। TSKSSB थी, तो मैंने जैसे कोर ऑफ इंजीनियर्स बताया, तो उसने कोर ऑफ इंजीनियर्स का थोड़ा बहुत पूछ लिया था, पर 22 मिनट में क्या ही पूछ लेगा, थोड़ा बहुत PIQ पे चला था एंड जनरली वो बोर्ड के बारे में पूछ रहा था। और बेंगलोर बोर्ड में मैंने देखा भी है कि बोर्ड के बारे में बहुत पूछते हैं वो लोग, कि आपको कौन सा कोर्ट अच्छा लगा, या लाइन्स के अंदर घुसते हो तो आप सबसे पहले क्या है, राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, ये सब चीज़ों पे बहुत एम्फसाइजेस था, और मुझसे ही बहुत सारे यही क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो ये था मेरा सेकंड इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। थर्ड इंटरव्यू मेरा हुआ था 21 SSB भोपाल में। 21 SSB भोपाल का मेरा बेस्ट इंटरव्यू गया था आज तक का, मेरा कुछ 50 to 60 मिनट इंटरव्यू चला था, पर मेरा ऐसे टिपिकल नहीं था कि यार CIQ पूछ रहा है, उसने CIQ सिर्फ एक पूछा था मुझसे स्टार्टिंग में, वो भी बीच में उसने रोक दिया था, और उसके बाद मुझसे मेनली जनरल अवेयरनेस, क्योंकि मैंने उस टाइम अच्छा मेंशन भी किया था और प्रिपेयर भी कर रखा था, तो मुझसे मैंने नाइजर में मिलिट्री कूप मेंशन किया था, वो किया मैंने, 5 BRCC मेंशन किया था, तो हर एक चीज के 5 5 पॉइंट पूछने लग गए थे वो सर, कि 5 पॉइंट बता इंडिया की GDP कैसे ग्रो हो सकती है, 5 पॉइंट बता इंडिया की क्या दिक्कतें हैं, या फिर 5 पॉइंट बता कि क्रिकेट एक बंदे को क्या सिखाता है, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन टाइप ये सब भी पूछ रहा था। ठीक है, तो वो जब आप मेंशन करोगे उस हिसाब से पूछेगा। प्लस में इसमें मेरे पे हॉबीज वगैरह पूछा था कि यार तेरा बॉल कैसे स्विंग होता है, क्रिकेट बॉल, ठीक है। इसके अलावा मुझसे थोड़ा बहुत फौज के बारे में बहुत पूछा था, जब मैंने कोर ऑफ इंजीनियर्स मेंशन किया तो उन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर्स का व्हाट इंजीनियर कैन डू, या फिर इसके वेपन्स कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पूछा गया था। ये था मेरा भोपाल का एक्सपीरियंस, और ये बहुत अच्छा गया था। और भी बीच में ऐसी चीजें पूछी थी मिसलिनियस टाइप्स, और वो मैं सब बता पा रहा था, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कौन सी है, नॉर्डिक नेशंस कौन से हैं, या फिर ऐसे मिडिल ईस्ट में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, ये सब चीजें, म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे, इंडिया में मणिपुर इशू चल रहा था उसका क्या था। तो मैंने अगर ये प्रिपेयर कर रखा था तभी वो मुझसे और पूछ रहा था, कह सकते हैं कि मार्क्स देता है ना, तब जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर तो ऐसे खींचता है उसको ज्यादा मार्क्स देने हैं, तो उसी ने मुझे बचाया था। GTO मेरा उस टाइम अच्छा नहीं गया था, पर फिर भी मैं रिकमेंड हुआ था क्योंकि GTO इसके इंटरव्यू के कारण ही हुआ था। ठीक है, फोर्थ इंटरव्यू मेरा हुआ है 32 SSB जलंधर में, जो कि IMA 157 एंट्री के लिए था। तो यार वो तो एकदम अनएक्सपेक्टेड गया था, तो कभी कभी ये भी सोच के चलो कुछ भी हो सकता है। उसमें मेरे से 20 मिनट ज्योग्राफी और मैथ्स और साइंस, ये तीनों चीज पूछी गई थी, और मुझे कुछ ऐसा आता नहीं था यार, पता नहीं कुछ भी पूछा था, ऐसे ऊपर देख के लाइट देख ली, लाइट में कुछ भी पूछ लिया, साइड में देख लिया तो मार्बल देख लिया, मार्बल से कुछ भी पूछ लिया, ऐसे चल रहा था, मुझे इतना आ नहीं रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसमें क्या है, मैं मैथ्स बैकग्राउंड का बंदा, मुझे साइंस में भूल गया था सारी, फिर भी बोला नहीं 12th में करी थी तो तुझे आनी चाहिए, सब पता होना चाहिए तेरे को, तो उस टाइप का चल रहा था। तो इस टाइप का भी इंटरव्यू जा सकता है। ठीक है, तो मैंने मेरे चारों इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बता दिया है, अब थोड़ा बहुत बात कर लेंगे कि यार कैसे अपन इंटरव्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। PIQ से बात कर लेंगे, स्टार्टिंग से आखिरी तक हर एक कॉलम पे, बस फिर अपना ऑलमोस्ट सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देख लेते हैं अभी कि इंटरव्यू का कैसे प्रिपेयर करना है आपको और क्या क्या क्वेश्चंस पुट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है योरसेल्फ के बारे में परमानेंट एड्रेस, तो वहां के लिए आपको क्या करना है, आपको खुद के बारे में, पेरेंट्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, खुद का लिखो कि हु आई एम या हु माई फादर इज, उनकी क्या कमियां हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो लिख लो। सेम फॉर मदर, सेम फॉर सिस्टर। ठीक है, वो लिखने के बाद वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर मान ली ऐसे क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एयरफोर्स के क्वेश्चंस में भी, कि अगर मैं आपके पापा के पास जाऊं और आपकी 2 क्वालिटी पूछूं तो वो मुझे क्या बताएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी प्रिपेयर करो कि वो अगर मेरे पास गए या फिर कोई उनके पास गया तो वो मेरे बारे में क्या बताएंगे। ठीक है,
और उसमें लाइक टीम वर्क टाइप ये सब चीजें ऐड करो, एक दो चीजें ऐड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको सब एकदम ही रोज आना होता है, क्योंकि तैयारी करनी बहुत जरूरी होती है हर चीज की, तो थोड़ी बहुत चीजें ऐड कर सकते हो ठीक है। और उसमें जो प्लेस वगैरह की चीजें होती है, जैसे किस प्लेस से आप बिलोंग करते हो, तो उस सब के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, इसे पीछे वाली वीडियो देख लेना, ब्रेनस्टॉर्मिंग अच्छे से समझ जाओगे क्या करना है, क्योंकि वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और टेलीग्राम चैनल पे भी ऐड हो जाना, मैं हर मंडे को ब्रेनस्टॉर्मिंग पे टास्क देता हूँ, और हर एक दिन के अलग अलग टास्क जो कि दिए जाते हैं, तो वो सब करोगे तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी ठीक है। अब उससे आगे होता है अपना परमानेंट एड्रेस वगैरह, वो सब हो गया, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से हो जाएगा। उसके बाद कॉलम आता है वो रिलीजन वाला, वो सब आप फिल कर दोगे, उस पर ज्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो नहीं सकते। तो आगे क्या ऑक्यूपेशन पे पुटअप हो सकते हैं क्वेश्चन, लाइक आपके फादर का ऑक्यूपेशन अगर एक्स सर्विस मैन है या फिर आर्मी में है, तो लाइक जिस फॉर एग्जाम्पल आर्टिलरी में है, तो आर्टिलरी के बारे में एटलीस्ट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए सारी चीजें। टीचर है तो टीचर कैसे बन सकते हैं, टीचर लाइक मेरे पापा टीचर हैं, तो टीचर के बारे में उन्होंने पूछा कि टीचर कैसे कैसे बन सकते हैं हरियाणा में, कौन कौन से एग्जाम्स देने होते हैं, तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है ठीक है। सेम फॉर मदर, या फिर और फिर उसमें लाइक फादर की सैलरी है तो उसमें पूछ लेगा तेरे को कितनी पॉकेट मनी मिलती है, उस पॉकेट मनी को कैसे यूज कर सकते, अपने को ऐसे करना है ठीक है। तो ये भी अपना कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन का पॉइंट आता है, एजुकेशन में यार जैसे जिस स्कूल से पढ़े हो उसके बारे में पता होना चाहिए, या किसी अगर ऐसे लाइक फ्रीडम फाइटर वगैरह के नाम से अगर आपका स्कूल है तो उसके बारे में आपको पता कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। आप डे मतलब डे स्कॉलर थे या बोर्डर थे, जो भी है वो आपको देख लेना, आपकी जो भी अचीवमेंट्स अच्छे से हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, क्यों है अचीवमेंट्स, क्या क्या किया है आपने ठीक है। तो इतना सब अगर कर लोगे तो फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। ग्रेड्स अगर कम है तो क्यों है, उसका रीजन होना चाहिए स्पेसिफिक, ग्रेड्स अच्छे हैं उसके बाद कम हुए तो क्यों कम हुए हैं, या मेंटेन्ड है तो क्यों है, वो पूछ सकता है भाई कि ऐसा क्या पढ़ता है तू, तो तेरी डेली रूटीन पूछ सकता है, वो डेली रूटीन में क्या क्या इंक्लूड करता है ठीक है। उसके बाद आपका हाइट वेट हो गया, और आपकी इनकम हो गई, कुछ है वो बताओ, नहीं है तो नील लिख दो उस पे इनकम पे। उसके बाद एनसीसी जिसने करी है, एनसीसी का पता होना चाहिए उस बंदे को, एनसीसी की हर एक चीज, कौन सी विंग है क्या है, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मेरे पास एनसीसी नहीं है, बट जो बंदे हैं उनको अच्छा नॉलेज होगा, और होना भी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। पर हाँ एक कॉमन मिथ होती है कि क्या एनसीसी होने से रिकमेंड हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, आप में क्वालिटी है तो हो जाओगे, मेरे पास भी नहीं थी एनसीसी, मैं भी 3 times रिकमेंडेड हूँ, और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनसीसी नहीं है फिर भी रिकमेंड होते हैं। तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, तो गेम्स में यार जैसे मैं क्रिकेट लिखता था, तो क्रिकेट पे उन्होंने पूछ लिया कि भाई 5 चीजें बता जो क्रिकेट एक बंदे को सिखाती है, तेरे को बॉल कैसे अपनी जो क्रिकेट बॉल होती है वो कैसे स्विंग होती है। वॉलीबॉल से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि यार वॉलीबॉल कोर्ट का लाइक डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस के बाद उसने बोला कि वॉलीबॉल कोर्ट के चारों तरफ 400 मीटर के उसको राउंड लगाना है, 400 मीटर कवर करना है, तो कितने राउंड लगाने पड़ेंगे उसके, इस टाइप के थोड़े एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है ठीक है। 13 मीटर है तो 13 मीटर को फुट फुट में कर, इंच में कर, सेंटीमीटर में कर, ये सब करवाएगा आपसे ठीक है। तो ये भी थोड़ा हो जाएगा, इतना कुछ दिक्कत होती नहीं है। और कन्वर्जन करवा सकता है आपको, लाइक 18 km/h को m/s में कर, ये सब चीजें नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ये हॉबीज रिलेटेड से भी और ऐसे ही पूछ सकता है ठीक है। तो ये क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना हमेशा। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले सेक्शन में जो आपने किया है वो लिखना, क्योंकि फिर आप अगर सच्चे हो तो वहां पे आप ना ही लाइक फंबल करोगे, और अच्छे से आप बता भी पाओगे उसको, और उसको भी ट्रस्ट होगा कि हाँ इसने ये चीजें करी हैं ठीक है, और वो चीजें इम्पैक्ट भी डालती हैं अच्छा। और उस पर मेरे से लाइक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेरे से कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया है, कॉन्फ्रेंस में जनरली जब डाउट्स रहते हैं ना, तो हॉबीज एंड इंटरेस्ट, पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सबसे क्वेश्चंस बनाते हैं वो लोग। जैसे मेरे कॉन्फ्रेंस में डाउट्स थे तो मैं स्किट्स करता था, तो स्किट्स के रिगार्डिंग एक उन्होंने SRT बना दी थी, सेम ऐसे ही कि वो पूछा था कि यार तू जैसे रनिंग करने जाता है तो किसके साथ जाता है, क्रिकेट खेलता है तो कहाँ खेलता है, किसके साथ खेलता है, कौन से तेरे फ्रेंड्स हैं, वो सब के बारे में ठीक है, ये सब कॉन्फ्रेंस में ही पूछा जाता है। उसके अलावा तो SSB अटेम्प्ट रह गया, SSB अटेम्प्ट में तुम क्या कर सकते हो, उसमें तो जो है वो है, आप कॉन्फ्रेंस आउट हो तो बताओ इन रीजन से कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, स्क्रीन आउट हो तो बताओ इन रीजन से स्क्रीन आउट हूँ मैं। तो यार यही था पूरा PIQ। अब अपन थोड़े बहुत कॉमन मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। यार एयरफोर्स की SSB नेवी और आर्मी से कैसे अलग होती है, तो जो मैंने देखा है लाइक मेरे जो दोस्तों ने भी SSBs दी उन्होंने मेरे को बताया है, तो यार एयरफोर्स की SSB थोड़ा डिटेल्ड में होती है, लाइक इंटरव्यू स्पेसिफिकली इफ आई टॉक, कि यार 1 to 2 hour तक का इंटरव्यू, 2 घंटे तक इंटरव्यू चलते हैं एयरफोर्स में,
और एयरफोर्स में क्या होता है, आपकी फैमिली फ्रेंड्स इन पे बहुत ज्यादा लाइक इंफेसाइज किया जाता है, बहुत ज्यादा। मतलब आर्मी में क्या, आर्मी में है ना, रिकन्फर्म नहीं करेंगे। आर्मी में तुमसे पूछ लिया तुम्हें आर्मी में क्यों जाना है, तुमने एक आंसर दे दिया अच्छे से, ठीक है वो उसी को मान लेंगे। एयरफोर्स में तुमने एक आंसर दे दिया, उसके 10 आंसर और निकलवाएंगे वो, अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन पूछ के। तो एक एग्जाम्पल से समझ जाना कि ऐसे होता है। लाइक तुम्हें फैमिली एंड फ्रेंड्स के बारे में पूछेंगे, वो तो अच्छे से पूछेंगे यार कि वो तुम्हारा दोस्त क्यों है, वही दोस्त क्यों बनाया तुमने, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी डिसक्वालिटीज क्या है, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं जो एयरफोर्स में माइन्यूटली पूछा जाता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है, OLQ सेम ही है। तो पढ़ाई लिखाई अच्छा किया बंदे ने, वही मैंने देखा है कि यार उसका थोड़ा अच्छा लेवल बनता है एयरफोर्स के सीजीज में। बाकी नेवी और आर्मी की सेम ही रहती है, और पूरा प्रोसेस सेम ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। बस थोड़ा उनका इंटरव्यू डीप जाता है, तो फैमिली फ्रेंड्स के बारे में हर एक चीज पूछ पढ़ के जाना, हर एक चीज पढ़ के जाना, ठीक है। कुछ भी पूछ सकते हैं वो, तुम्हारे फ्रेंड के बारे में पूछ लेंगे, वो किस टाइप के फ्रेंड्स बनाता है। तो इसलिए हर एक चीज के लिए तैयार रहना, कोई भी तुम्हें SRT वहां पे भी दे सकता है वो। एयरफोर्स का ऐसे चलता है जनरली, ठीक है। अभी बात करते हैं यार GK क्वेश्चंस के बारे में। GK क्वेश्चंस अगर तुम ना बता पाओ तो कोई दिक्कत होती है, तो यार मेरे एक्सपीरियंस से और जितना मैंने देखा है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है इसमें, अगर GK के क्वेश्चंस आप नहीं बता पाते हो। बिकॉज चलता है यार, उसे भी पता है, कई बार नर्वसनेस में रह जाता है बंदा, या फिर उसे नहीं पता होते हैं, तो इन चीजों की वजह से आप रिजेक्ट नहीं होगे। उसके पास पूरा PIQ है, वो 100 चीजें आपसे और पूछ लेगा, आपसे CIQs पूछ रहा है, वो CIQs के थ्रू आपका आंसर जान रहा है, आप कितना डीप या फिर कितनी आपको नॉलेज है खुद के बारे में, खुद की फैमिली के बारे में। तो ये सब चीजें आप इन पे फोकस करो। रिगार्डिंग टेक्निकल क्वेश्चंस, तो टेक्निकल क्वेश्चंस इतने ज्यादा कुछ नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के यूज पूछ लेगा, पेन के यूजेस पूछ लेगा, डायमेंशंस पूछ लेगा, डायमेंशन से वॉल्यूम निकलवा देगा, वॉल्यूम से, या फिर मतलब इतना ही रहता है यार, वो कुछ ज्यादा नहीं पूछता है वो। जितना तुम्हें आता है ना, लाइक कुतुब मीनार की हाइट निकालो, सस्पेंशन ब्रिज पे खड़े हो नीचे की हाइट बताओ, टाइल्स गिनके अपना यहाँ का लेंथ बता दो पूरी, तो ये सब पूछेंगे यार वो। ऐसा नहीं है कि तुमसे कुछ अलग ही पूछ लेंगे, बट हाँ, जो जैसे TGC एंट्री वाले होते हैं, SSC टेक वाले होते हैं, कि स्पेसिफिक फील्ड में BTech करी है, तो उस स्पेसिफिक फील्ड का कुछ भी पूछ सकते हैं। अब मैंने BTech नहीं करी तो मैं इतना उस बारे में नहीं बता सकता, पर हाँ उस फील्ड के बारे में एटलीस्ट पूछ सकते हैं। बट उसके अलावा तो जनरिक क्वेश्चन ही होते हैं जो तुम्हें आते मिलेंगे, ठीक है। तो यार कॉमन डाउट्स आई गेस यही थे, तो इतना ज्यादा कुछ और बताने को है नहीं इंटरव्यू में। इंटरव्यू में बस एक टिप याद रखना कि यार सच्चा रहना है, सच्चा हमेशा सच्चा होता है। और एक चीज और, कि तुम्हें लाइक कुछ क्वेश्चन उसने पूछा तो तुम किसी चीज को मोल्ड करके बोल सकते हो, ताकि उस चीज का ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना जाए। कुछ चीज बहुत गलत है तो तुम उसके मोल्ड करके बोल दो, पर चीज को मिटाओ मत, चीज को झूठ मत बोलो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बता सकते हो तुम, अगर ज्यादा ही तुम्हें लग रहा है कि भाई गलत हो जाएगा ये, तो उसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट ऊपर नीचे बता दो, कोई बात नहीं चलेगा। बट उसको झूठ नहीं बोलना, उस चीज को बदलना नहीं है कि हाँ ये तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो इतना कर सकते हो तुम। इसके अलावा इंटरव्यू के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, कनेक्टिविटी करो, रोल प्ले करते रहो। पूरा 5 BRCC का रोल है इसमें इंटरव्यू में, जो कि तुम मेरी पिछली वीडियो देख लेना, 5 BRCC पे जो थी उससे बहुत कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यार इसी नोट पे अपन इस वीडियो को तो एंड करते हैं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगे तो, ताकि जो सही नॉलेज है वो सब बंदों में जा पाए। और यार बस इसी नोट पे जय हिंद सबको, आगे बढ़ते रहो, घिसाते रहो, मेहनत करते रहो, इस साल हमें सबको रिकमेंड होना है।